मणिपुर में दो महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल है, लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं लोग। इस बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मणिपुर दौरे का एक पुराना वीडियो अचानक से फिर वायरल हो गया है। आखिर राहुल की उस वीडियो में ऐसा क्या था जो अचानक से मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद फिर वायरल हो गया? आपको राहुल के मणिपुर दौरे का वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। राहुल गांधी पिछले महीने 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर गए थे। राहुल गांधी वो पहले बड़े नेता थे जो हिंसाग्रस्त मणिपुर के दौरे पर पहुंचे थे। राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे थे तो रिलीफ कैंप में पीड़ित महिलाओं से बातचीत के दौरान महिलाओं ने उनसे कुछ उसी तरह का डर और दर्द साझा किया था जो बीते दिनों मणिपुर की दो महिलाओं के वायरल वीडियो में देखने के लिए मिला है। The male tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. राहुल गांधी मणिपुर के मोइरांग में जब एक राहत शिविर में रह रहे पीड़ित लोगों से मिल रहे थे, उस दौरान एक लड़की बीते दो महीने से मणिपुर की खूबसूरत धरती पर जो खौफनाक हिंसा हुई है उसका दर्द बयां करते करते बुरी तरह टूट गई और आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा। बीते तीन महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, जिसे लेकर संसद में मानसून सत्र में दो दिन से खूब हंगामा भी हुआ है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़ा है, वहीं एक तरफ सरकार है जो छोटी अवधि की चर्चा के लिए सहमत हुई है। वहीं विपक्ष ने जोर देकर कहा है कि पीएम नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के लिए स्वतः संज्ञान ले। The women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside.